हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे, आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था, और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। खासकर बिजली के हवाले से हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया, हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया, मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे, हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहां मीटर्ड एरियाज होंगे वहां पूरी बिजली दी जाएगी, बिजली की फ़ीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है, ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है, जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहां तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL ने, इस हवाले से कि जो हमारी बिजली की खपत है स्केड्यूल्स के बावजूद, ये जो बिजली कट्स के बावजूद वो उसमें कमी है, जो लास्ट ईयर जो हमें बिजली मिल रही थी और इस साल जो बिजली मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है, और इस तरह जो हम शेड्यूल कट्स हैं वो भी उस बिजली को भी नहीं दे पाते हैं, जब हम कहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली रहेगी, इस टाइम तक चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है, बिजली की इतनी कमी है की बात है कि जो इस वक्त की इंतज़ामिया है ये लोगों को सज़ा दे रही है। पावर परचेज़ ना करना इन हालात में लोगों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूं कि उन्हें परचेज़ पावर इमीडिएटली करना चाहिए, क्यों जो लोग फीस भी अदा कर रहे हैं, मीटर भी लगे हुए हैं, लेकिन इतनी कटौती करना ये जायज़ नहीं है। हमें पता नहीं, वो इनकी नाअहलियत है, वो इनकी नाअहलियत है, अपनी नाअहलियत के लिए ये लोगों को सज़ा नहीं ना दे सकते हैं, और कलेक्टिवली अगर ये लोगों को सज़ा देना चाहते हैं ये नाजायज़ बात है। इनको चाहिए, अगर इनके पास पैसे नहीं हैं दिल्ली से जाके पैसे लाएँ, इलेक्टेड गारमेंट तो लाती थी, जब भी कोई इलेक्टेड गारमेंट रही है उन्होंने पैसा लाया, और इस बार क्यों नहीं? कुछ और दर पर्दा लगता है, ये जो लोगों को तंग किया जाता है पावर ना दे के, कुछ और दर पर्दा लगता है। ये बात मैं मानने से कासिर हूँ कि नहीं साहब, इनके पास पैसे नहीं है, हिंदुस्तान के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो ज़रूर अगर ये लोग जाएंगे तो पैसे मिलेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे कश्मीर जिसमें NHPC जो है हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो कश्मीर से बाहर भेज रही है, लेकिन अपने घर में हमारे लैंप जो हैं वो बुझे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बिजली नहीं है, बट इट इज़ ऑल मिसमैनेज्ड। मैं आपसे ये कहूँ कि चाहे गवर्नमेंट कर्टेलमेंट का शेड्यूल देती है जो मीटर्ड एरिया है कि 4-5 घंटे का, पर वैसा नहीं होता है, बजाय इसके कि जब मर्जी आती है वो कट करके ले जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कर्टेलमेंट करें, अनाउंसमेंट हो, एंड पीपल गवर्नमेंट शुड स्टिक टू इट, ताकि लोगों को भी पता रहे कि किस टाइम पर आदमी को पावर आएगा और किस टाइम पर जाएगा, पर यहाँ उसके बरक्स हो रहा है। हालांकि हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर में, चाहे वो दूलहस्ती का प्रोजेक्ट है, चाहे वो टीस्टा है, चाहे वो कवार है, चाहे वो उरी या बगलेर के प्रोजेक्ट्स हैं और किशन गंगा के प्रोजेक्ट्स हैं, कितना पावर है हमारे पास, पावर की कमी नहीं है, मिसमैनेज है। मगर मैं एक बात कहूँ कि इट इज़ मिसमैनेज। हालांकि हमारे पास टर्बाइन 2 हैं, भामपुर में टर्बाइन है, दूसरी जगह टर्बाइन है, पर लोगों की तरफ सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इस शिद्दत की सर्दी में जबकि पावर की बहुत ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल रहा है, और उसको रेस्टोर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार को एक सीरियस थॉट करनी चाहिए, चाहे यहाँ के
लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, ताकि यहाँ लोगों को आसाइश मिले, ना कि लोग दुखी हों कि उनको पावर ना मिले। और पावर की कमी कहाँ है? मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि मैंने हाई कोर्ट में एक बार केस भी किया था इस सिलसिले में कि जो NHPC है उसको आप 35% जो पावर है वो पहले स्टेट को दे दे। आफ्टर ऑल वो सारा पावर जो NHPC मतलब क्रिएट कर रही है वो हमारी स्टेट की रिसोर्सेज पर कर रही है, लेकिन उसके लिए उसको रिटर्न में तो कुछ देना चाहिए। कम से कम हमारे पास 35% अगर हमें पावर मिलेगा तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ की शॉर्टेज होगी पावर की, पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो हाई कोर्ट में जब हमने किया तो उसमें जो बेसिक एग्रीमेंट था उसको ही किसी ने रफा दफा कर दिया, तो हम लोगों के सामने क्या रखेंगे? तो ऐसा सरकार को चाहिए, सेंट्रल सरकार को चाहिए, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सेंटर के साथ बात करें कि साहब NHPC का जो पावर प्रोडक्शन है हमारी जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज पर, उसका 35% जो है वो स्टेट को दे, ताकि हमारी पावर की क्राइसिस दूर हो जाए। और आपसे ये बोलूं कि किसी भी जगह की, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जब तक उसके पास पावर नहीं है, उसकी डेवलपमेंट नहीं है, उसकी इंडस्ट्रीज नहीं है, उसके हर काम जो है वो बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि अभी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका डिजिटलाइजेशन की बहुत बड़ी बात है कि साहब डिजिटलाइजेशन की बात है। डिजिटलाइजेशन क्या करेगा जब आपका नेट नहीं चलेगा, जब आपका इन जो कंप्यूटर है जो डिजिटलाइजेशन का बेस है वो नहीं चलेगा? उन सबको चलाने के लिए हमें पावर चाहिए। सो इस लिहाजा इस पर सीरियस थॉट की जाए। और मुझे लगता है अगर दिल्ली की मतलब सरकार के सामने ये बात खुल के रखी जाए, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को यहाँ पर पब्लिक के लिए ले आएंगे कि साहब नहीं, इस स्टेट की बहुत बड़ी क्राइसिस है, उसको हम हल करें, क्योंकि पहले पॉलिटिशियन ने यहाँ पर इन चीज़ों पर कोई बात नहीं की है। लेकिन अब मैं आपसे जिक्र करूँगा ज़रूर कि जब जगमोहन गवर्नर थे हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 24 आवर्स पावर कश्मीर में दिया क्राइसिस टाइम में भी, लेकिन वो कैसे दिया? उन्होंने यहाँ की टर्बाइन को भी यूज़ किया जो पांपोर में है, एक HMT साइड में है, दोनों को यूज़ किया और जो थोड़ा सा पावर आ रहा था उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। तो इस लिहाजा सरकार को चाहिए कि साहब जो पावर है यहाँ पर लोगों को इससे अलग ना करें, लोगों को परेशानियाँ जो हैं वो दूर करें। पावर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर घर में, और वो भी इस कश्मीर की इस शुद्ध सर्दी में।